हेलो एवरीवन वेलकम टू और ऑफ़ यूनिवर्स आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं और उसमें कोई थर्ड पार्टी एंटर कर देती है तो कितनी बेचैनी होती है मीन्स कितना गुस्सा आता है कितनी हमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि जब हम किसी रिश्ते को बनाते हैं ना तो उसे बहुत प्यार विश्वास के साथ बनाते हैं उसमें हमें बहुत टाइम तक एक पेशेंस रखना पड़ता है उस रिश्ते को मजबूत करने के लिए पर उसी रिश्ते को अगर कोई बीच में आके ख़राब कर देता है या हमारी रिलेशनशिप के अंदर कोई आ जाता है और जिसकी वजह से हमारी सुख शांति वाली जो ज़िंदगी होती है वो स्पॉइल हो जाती है या जिसकी वजह से हम हर टाइम फ्रस्टेट रहते हैं एंजाइटी हो जाती है तो हमें कितना गुस्सा आता है उस टाइम हम चाहकर भी पॉजिटिव हो सकते हैं नहीं हो सकते आप खुद सोचिए अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपकी रिलेशनशिप के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ जाती है तो क्या आप उससे नॉर्मली बिहेव करेंगे बहुत कोशिश करेंगे कि अरे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं हम पॉजिटिव रहें पॉजिटिव रहें ऐसा हो पाता है नहीं ये उन लोगों के लिए शायद ज़्यादा मुश्किल होता है जिन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता होता है क्योंकि उनके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल है बट जिन्हें पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है वो इसका सही तरीके से और सही वक्त में इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आज जो मैं आपको टेक्निक बताने वाली हूँ आपकी थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए और आपको लगता है कि उस थर्ड पार्टी की वजह से वो इंसान जो हर टाइम मेरे साथ रहता था मेरे बारे में सोचता था और हर टाइम मेरे से बात करता था हर किसी ज़रूरत में ख़ुशी में दुख में हर चीज़ में सबसे पहले प्रियोरिटी मुझे ही देता था हर डिसीजन में मुझे आगे रखता था आज वो मुझे उस थर्ड पार्टी की वजह से इग्नोर कर रहा है मेरी कॉल्स मेरे मैसेजेस मेरी फीलिंग मेरी जरूरतें हर चीज को इग्नोर कर रहा है तो आज आप इस टेक्निक की वजह से अपनी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि बहुत से लोग इस चीज से परेशान है कि उनके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी आ गई है और उनकी अच्छी बनी बनाई लाइफ बना बनाया रिलेशन खराब हो रहा है टूट रहा है रिश्ता टूटने के कगार पर आ गया है ब्रेकअप हो गया है एंड ऑल टाइम हम एंग्जाइटी से परेशान हैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है उसकी वजह से हम पॉजिटिव रहना चाह रहे हैं पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं कुछ करने का मन नहीं करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं करने का मन करता है पॉजिटिव नहीं सोचने का मन करता है तो आज इन सारी चीज़ों का मैं आपके पास सोल्यूशन लेकर आई हूँ कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से बिना गुस्सा किए बिना कोई आ, कहते हैं ना लड़ाई झगड़ा किए बिना मुँह से कुछ गंदे वर्ड्स निकाले आप इस चीज़ को आसानी से कर सकते हैं और अपनी लाइफ को वापस उसी तरीके से बना सकते हैं जो आपकी पहली रिलेशनशिप थी ओके तो आपको करना क्या है लाइक like ये जो मैं बताने जा रही हूँ ये सिर्फ एक कपल के लिए नहीं है मीन्स मतलब सिर्फ लव रिलेशनशिप के लिए नहीं है इसमें क्या होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में भी कोई थर्ड पार्टी आ सकती है जो बॉयफ्रेंड फ्रेंड गर्ल है उनके बीच में भी आ सकती है मतलब जो भी दो लोग हैं और उनकी रिलेशनशिप अगर बहुत अच्छी है और उसके बीच में अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप इसका तो आप इस टेक्निक से इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि आपको क्या करना है अगर आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी आ चुकी है आप पहली बात है पहले श्योर होइए बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए आप श्योर होने चाहिए कि हाँ एक्चुअली में ऐसा है ये नहीं कि बस आपको एक वहम हो रहा है ठीक है आप बिल्कुल श्योर होने चाहिए कि हाँ थर्ड पार्टी हमारी लाइफ में आ चुकी है आपने बहुत समझाया पहले आपने बहुत कहा बट आपका पार्टनर नहीं मान रहा है या वो थर्ड पार्टी मानने को तैयार नहीं है कि वो आपके लाइफ से चली जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है बिल्कुल पहले आपको शांत होना है ठीक है डीप ब्रीद डीप ब्रीदिंग करनी है ठीक है आप टेन टू फिफ्टीन मिनट अगर हो सके तो करिए जब तक कि आपका यहाँ पर ये यह माइंड शांत नहीं हो जाए और ब्रीदिंग करते वक्त ये नहीं कि लड़ाई झगड़े एंड ऑल सब आपके दिमाग में हो रहा है इसीलिए हमें करनी है कि हमारा दिमाग बिल्कुल शांत हो जाए शांत करने के बाद आपको क्या करना है आप लव वाइब्रेशन भेज सकते हैं ठीक है लव वाइब्रेशन कैसे भेजा जाता है इसकी वीडियो मेरे चैनल में है आप पूछिएगा मत कि लव वाइब्रेशन कैसे भेजा जाता है आप मेरे चैनल में जाइएगा लव वाइब्रेशन आपको दिख जाएगा आप वहां से सीख सकते हैं कि आप लव वाइब्रेशन किस तरीके से भेज सकते हैं ओके और सबसे ज़्यादा क्या करना है आपको विजुअलाइज़ करना है येस yes, विजुलाइज़ एक ऐसी टेक्निक है ना इतनी पावरफुल है कि इसके आगे कोई भी टेक्निक नहीं है क्योंकि विजुअलाइज सबसे टॉप पे आती है और उसके बाद सारी टेक्निक आती है अगर आपने विजुअलाइज़ करना अच्छी तरीके से सीख लिया ना तो दुनिया के हर चीज़ आप पा सकते हैं क्योंकि विजुअलाइज़ में आपका मन शांत होता है पूरा फोकस आपका उस ओर होता है और जिस ओर हम बार बार ज़्यादा ध्यान देते हैं वो चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाती है तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको विजुलाइज़ करना है विजुलाइज़ क्या करना है आपने अपने पार्टनर के साथ जो भी अच्छे मोमेंट्स बिताए हैं जो भी वक्त बिताया है उस वक्त को आपको विजुलाइज़ करना है ठीक है क्योंकि हम विजुअलाइजेशन में क्या करते हैं हम उन्हीं पलों को याद करते हैं जो हमने उसके साथ बिताए होते हैं और उन पलों को सिर्फ हम याद नहीं करते हैं बल्कि हम अगले को भी याद दिलाते हैं कि हाँ तुम भी महसूस करो एहसास करो इस चीज़ का कि हमने एक साथ कितने अच्छे मोमेंट बिताए हैं या हमारा रिलेशनशिप कितना खूबसूरत है ठीक है आप जितना ज्यादा विजुअलाइज करेंगे अगर आप कोई टेक्निक भी नहीं करें ना आप सिर्फ विजुलाइज़ कर रहे हैं तो यकीन मानिए अमेजिंगली वर्क करता है यार अमेजिंगली ठीक है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको विजुअलाइज करना है ज़्यादा से ज़्यादा विजुलाइज करना है और ये भी नहीं है कि आप फोर्सली विजुलाइज कर रहे हैं मीन्स अब आपका ध्यान हट गया है बट आप कर रहे हैं नहीं विजुअलाइज भी आपको तब तक करना है जब तक कि आपका पूरा ध्यान मतलब दिल और दिमाग दो नो उसी जगह पर हो जब आपको लगे कि आपका दिमाग थक चुका है या अब आपका दिमाग इधर उधर डोलने लगा है उसका ध्यान हट रहा है तो आप वहीं पर स्टॉप कर देंगे ठीक है क्योंकि ऐसे में अगर आप विजुअलाइज़ करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा इसलिए आपको विजुअलाइज तभी करना है जब आपका माइंड और आपका हार्ट दोनों एक ही जगह पर फोकस कर रहा हो जितनी देर हो उतनी देर आप करें फिर आप थोड़ी देर बात कर सकते हैं ऐसी कोई वो नहीं दिन भर में आप जितनी टाइम चाहे विजुअलाइज़ कर सकते हैं इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है कोशिश करिए कि आप सुबह उठते वक्त कर सकते हैं या रात में सोने से पहले कर क्योंकि रात में सोने से पहले की गई टेक्निक यार कम की काम करती है है ना तो रात में सोने से पहले आप विजुलाइज़ कर सकते हैं अफॉमेशन कर सकते हैं और हाँ रात में विजुलाइज जब भी भी आप करें तो लव वाइब्रेशन अगर आप उसके साथ ऐड कर देना तो यार मतलब ये बहुत अच्छा वॉक करता है मतलब अगर आप कोई नहीं यकीन है ना आप सिर्फ वन वीक एक बार करके देखो तब आपको खुद ही एहसास होगा कि हाँ ये रियली वर्क करता है ठीक है तो आपको क्या करना है फ़र्स्ट आपको विजुअलाइज़ करना है सेकेंड आपको लव वाइब्रेशंस भेजनी हैं इस तरीके से करते करते आपको 21 डेज तक इसे फॉलो करना है एंड आई होप कि ये चीज़ ना 21 डेज से पहले ही आपको रिजल्ट दिखाने लगेगी कॉज जब आप ट्वेंटी वन डेज तक कोई टाइम लेके करते हैं ना तो आपका माइंड सेट हो जाता है उतने दिन में ठीक है तो आप कोशिश करिए कि ये चीज़ आप ट्वेंटी वन डेज तक करिए आपको रिजल्ट इसके पहले ही मिलने लगेगा और तीसरी जो सबसे ख़ास चीज़ है आपको क्या ऐड करना है फर्स्ट आपने क्या किया विजुअलाइज सेकेंड आपने क्या किया लव वाइब्रेशन थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको क्या करना है आप लव सब्लिमिनल सुन सकते हैं जी हाँ लव सब्लिमिनल ना बहुत ही अच्छा वर्क करता है आप रात में जब आपका बिल्कुल दिमाग शांत होता है ना आप सोने जाते हैं आप उस टाइम पे लव सब्लिमिनल आप ढूंढ सकते हैं यूट्यूब पे बहुत ढेर सारे हैं क्योंकि जब वो सुनते हैं और उसके पीछे जो अफॉर्मेशन चलते हैं ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करते हैं ठीक है थीके? हमारे दिमाग को पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं उस जगह पर तो आप रात में जब भी, भी करें तो विजुअलाइज़ करें लव वाइब्रेशन भेजें और रात में होते वक्त लव सब्लिमिनल लगा लें अपने फोन में उनके आज सो जाए ये बहुत ही पावरफुल तरीके से काम करेगा बट आपको ट्वेंटी वन डेज तक बिना गैप किए और पूरे मन से करना है अगर आपने जरा भी अपने माइंड को इधर उधर किया या नेगेटिव हो गए आप या कुछ भी आपके आ, मन में इस चीज़ को लेकर नेगेटिव थॉट आ गया कि अरे यार ये सब वर्क नहीं करेगा तो ये डेफिनेटली वर्क नहीं करेगा आपको पूरी पॉजिटिव होकर इस चीज़ को करना है देखिएगा ये डेफिनेटली वर्क करेगा ठीक है तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आ गई है और आप उसे रिमूव करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ये टेक्निक भी कर सकते हैं अदरवाइज इसके कई स्विच वर्ड्स भी हैं जो मैंने बताया भी है तो आप वो भी कर सकते हैं वो भी मेरे वीडियो में है चैनल में है आप जाकर देख सकते हैं और नहीं तो अगर टेक्निक करना चाहते हैं बहुत बड़ा इश्यू हो गया या मतलब बहुत सीरियस ऐसी कंडीशन हो गई तो उसके लिए आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं आपको विजुअलाइज करना है लव वाइब्रेशन भेजनी है और लव सबलिमिनल सुनना है ये डेफिनेटली वर्क करेगा एंड आई होप कि इससे आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्मूद एंड बेटर हो जाएगी तो आप टेंशन मत लीजिएगा और अपने इस टेक्निक को पूरे पॉजिटिव किस पूरी, पूरी पॉजिटिविटी के साथ शुरू करिएगा देखिएगा ये किस तरीके से काम करती है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा